गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि जून का महीना चल रहा है और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये एक इटेबल और मेडिसिनल प्लांट है जिसे हम करी पत्ता का पौधा कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि करी पत्ता का पौधा एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बशर्ते अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है तो। अगर ये गमले में लगा हुआ है तो फिर हमें इसकी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सारे टिप्स जो भी इसकी केयर के बता रहा हूँ वो उसी प्लांट्स के लिए बता रहा हूँ जो करी पत्ते का पौधा आपके पॉट में या पॉलीबैग्स में लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉइल मिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, करी पत्ते के पौधे के लिए जो बेस्ट और आइडियल सॉइल मिक्स होता है, तो एक तो जो सॉइल मिक्स होता है इसका, वो पोरस होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। और तो उसके लिए जो है, आप गार्डन सॉइल बराबर इक्वल परसेंट है सारे, गार्डन सॉइल प्लस कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट, और साथ में अगर आपके पास अवेलेबल है तो लीफ कंपोस्ट इसके लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करता है। तो इन चारों को बराबर मात्रा में मिला के आप और जो इसका सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए। एक सॉफ्ट सॉइल मिक्स होगा, पोरस होगा, जो इसके लिए आइडियल है और इसके लिए बहुत पसंद है। नंबर दूसरी चीज़, बात करते हैं हम सनलाइट के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि अगर ये पौधा आपका ज़मीन में लगा है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके की सनलाइट में इसको रख सकते हैं, फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, मॉडरेट में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट आपका पॉट में है या पॉली बैग में है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि इस समय जून का जो महीना चल रहा है, टेम्परेचर जब 40 से ऊपर जाएगा तो प्लांट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू होगी हीट से। तो आप इसको जो दोपहर वाला टाइम होता है 11:30-12 से और 3-4 तक, उस बीच में आप इसको ऐसी जगह पर रखिए कि उस टाइम की धूप इसको डायरेक्ट ना लगे। और बाकी सर्दियों के सीज़न में आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आप इसको दीजिए। और वैसे ये हल्की सनलाइट और फुल सनलाइट में भी सर्वाइव कर लेता है, पर जब टेम्परेचर 40 से ऊपर होगा तो इससे प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको अभी मई जून के जो महीने होते हैं इनमें डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाइए। नंबर तीसरी चीज़, बात करते हैं इसके वाटरिंग के बारे में। तो वाटरिंग में इस प्लांट्स को जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर नहीं चाहिए होता है, बस थोड़े पानी से इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट बनाए रखिए, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। और अगर आप ज़्यादा पानी इस प्लांट्स में दे देंगे तो प्लांट जो है पत्तियाँ इसकी पीली हो जाएंगी और अपनी ग्रोथ को वो रोक देगा। साथ ही आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि पूरी तरीके से इसकी मिट्टी एकदम से भी ड्राई ना हो जाए, तो भी प्लांट बहुत जल्दी मुरझा जाता है और पत्तियां जो है इसकी झड़ने लग जाती है। तो आप एक ही फॉर्मूला रखिए कि कम पानी से इसकी मिट्टी को मॉइस्चर बनाए रखिए, उसमें नमी बनाए रखिए, मॉइस्चर बनाए रखिए उसमें। नंबर फोर, हम बात करते हैं इस पर इंसेक्ट अटैक्स के बारे में। तो इस प्लांट पे भी इंसेक्ट का अटैक होता है, जैसे इस पे स्पाइडर का भी होता है, माइट्स का भी होता है और मिलीबग का अटैक भी इसमें होता है। तो चूंकि ये एक, मैंने बताया कि ईटेबल प्लांट है, हम डायरेक्ट इसकी पत्ती को यूज़ करते हैं मेडिसिन में, खाने में, तो अवॉइड करिए इस पे कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करने से। तो इसके लिए बेस्ट वही है कि आप नीम ऑयल का स्प्रे इस पे करिए, और पहली बार में करेंगे तभी सारे जो इंसेक्ट हैं इसके ऊपर वो हट जाएंगे, और नहीं तो आप कोशिश करिए कि 15-20 दिन हल्का हल्का नीम ऑयल का स्प्रे इस पे करते रहिए, तो इंसेक्ट लगने का चांस ही नहीं रह जाएगा। तो नीम ऑयल से ही इसका स्प्रे करिए, क्योंकि केमिकल वाले अवॉइड ही करिए, वही बेस्ट। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस प्लांट्स में फर्टिलाइज़ इसको करने का एक खास तरीका है कि आप इसको, वैसे ऑलमोस्ट प्लांट्स में हमें यही करना चाहिए कि इसके साइड की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा हटा लीजिए और थोड़ा सा गैप करके उसमें से गड्ढा सा करके आप काउडंग कंपोस्ट, नीम खली, मस्टर्ड केक पाउडर या वर्मी कंपोस्ट, और बेस्ट इसके लिए होता है लीफ कंपोस्ट, तो उनको आप उसमें रख के और ऊपर से उसको फिर से मिट्टी से पैक कर दीजिए। ये इसका तरीका है बेस्ट फर्टिलाइज़ करने का। बाकी गर्मियों के लिए सबसे अच्छा इसके लिए फर्टिलाइज़र है खट्टी छाछ, उसको आप प्रयोग करिए इसमें और इसकी जड़ों पे, और खट्टी छाछ हो उसको रख दीजिए आप। और प्रॉपर तरीका देखने के लिए आप मेरा शॉर्ट देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे रखा है। छाछ इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है इस गर्मियों के मौसम में। और बाकी आप इसमें चावल धुल के जो आपका पानी निकलता है आप उसको भी इसकी जड़ों में दे सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है इसके लिए। साथ ही आप इसमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट आधा चम्मच पानी में घोल के इसकी जड़ों में दे दीजिए। बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र हैं ये इसके लिए, और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और ग्रीन रहेगा।
अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में इसके सीड डेवलप हो चुके हैं। तो अगर आप सीड लेना चाहते हैं प्लांट से, तो बस इतनी इशू आता है कि जिस समय प्लांट का आप सीड रहेगा उतने टाइम तक प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देगा। तो मुझे सीड चाहिए इसलिए मैं इस पर सीड्स को रहने दे रहा हूँ, वरना आप इसको प्रून कर दीजिए, कट कर दीजिए। दूसरा जो है, पहला तरीका तो ये हो गया कि आप सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा होता है इसकी जो ये पेंसिल जितनी मोटी स्टेम जो होती है, इसको बारिश के सीज़न में आप कट करके और उस पर दालचीनी का पेस्ट लगा के और हार्मोन, रूट हार्मोन लगा के आप इसको लगा दीजिए सॉइल मिक्स में, प्लांट ग्रो कर जाएगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं इसकी जड़ों से भी बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, जैसा कि आप ये वाला मेरा प्लांट देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इनका प्रोपोगेशन होता रहता है। तो आप इनको भी अलग निकाल के दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और साथ ही आप जो इनके सीड पक जाते हैं उनको भी आप सॉइल मिक्स में लगा देंगे तो वो भी ग्रो कर जाएंगे। तो प्रोपोगेशन के इसके ये तीनों तरीके हो गए हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको इस पौधे से पत्ती लेनी हो तो इस तरीके से जो हम लेते हैं पत्ती को, इस तरीके से पूरा खींच लेते हैं सारी पत्तियों को, वो गलत तरीका है। आपको जब भी पत्ती लेनी है तो पूरी स्टेम जो है जिस पर पत्ती लगी है उसको पूरा वहाँ नीचे यहाँ से तोड़ दीजिए, क्योंकि जो खाली स्टेम आप छोड़ देते हैं लगी हुई उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो पूरी स्टेम लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है करी पत्ता के पौधे से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपसे शेयर करने की। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्लांट्स की केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।